हेलो ऑटो एडिक्ट्स, आज हम खड़े हैं एमपीवी लाइनअप के काफ़ी कंफर्टेबल कार के आगे। ये है हमारे पास टोयोटा इनोवा क्रिस्टा 2020 भी, और ये है पर्टिकुलरली जीएक्स वेरिएंट। ये है हमारे सामने 2.4 लीटर का फोर सिलेंडर इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 143 bhp एंड 343 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। की से शुरुआत करते हैं। की में हमारे पास यहाँ पे लॉक बटन आ जाता है, अनलॉक बटन आ जाता है, ये फ्लिप की जिससे गाड़ी स्टार्ट होगी, एंड बाकी बेसिक की है। काफ़ी कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए, बूट खोलने के लिए कुछ है नहीं इसमें, स्विच वगैरह। स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं रिफ्लेक्टर बेस्ड हैलोजन हेडलैम्प्स, इसमें हाई बीम लो बीम ये देख सकते हैं आप, इंडिकेटर, फॉग लैम्प की हाउसिंग आती है बेस वेरिएंट में। फॉग लैम्प कंपनी से लगा हुआ नहीं आ सकता, आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हैं। ये इसकी रेडिएटर ग्रिल, ये सिल्वर फिनिश में है, जो इसके हायर वेरियंट है उसमें यहाँ पर क्रोम फिनिश में आता है। ये बड़ा टोयोटा का लोगो। ये इसकी साइड प्रोफाइल। साइड में हम टायर पे आते हैं। टायर हमारे पास आता है 205/65R16 का एलॉय व्हील है ये, जो इसका वी एक्सट्रीम है उसमें भी सेम टायर प्रोफाइल आती है, जेड एक्स में 1 इंच बड़ा आता है। ये इसकी ओवरऑल साइड प्रोफाइल। ORVM से स्टार्ट करते हैं। ORVM में हमारे पास यहाँ पे इंडिकेटर आता है, फेंडर पे कोई इंडिकेटर नहीं आता, तो ये काफ़ी एक प्रीमियम टच है बेस वेरिएंट में भी। ये एसेसरी किट लगी हुई है इस गाड़ी में, इसलिए क्रोम का नहीं तो इसमें बॉडी कलर्ड हैंडल आते हैं। इसकी ओवरऑल लंबाई आप देख सकते हैं। कमिंग टू द रियर, ये इसकी रियर प्रोफाइल। रियर में हमारे पास हैलोजन बेस्ड इसमें टेल लैंप्स आते हैं, इसके टॉप वेरिएंट में भी इनफैक्ट वही आते हैं, कोई LED बेस्ड नहीं है, कुछ नहीं है। ये रिवर्स लाइट है, ये इंडिकेटर, ये इनोवा क्रिस्टा की बैजिंग। ये इसका कैमरा जो कि GX जो इसका पर्टिकुलर ये बेस वेरिएंट है, इसमें ये नहीं आता कंपनी से, ये टोयोटा द्वारा जो एक्सेसरी बेची जाती है उसमें लगवाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये 2.4 लीटर की बैजिंग और ये वेरिएंट का नाम जो है GX है, X नहीं लिखते हैं ये। एंड ये 2020 मॉडल है क्योंकि, और इसमें चार सेंसर आते हैं आप देख सकते हैं, चार रिवर्स सेंसर हैं। जो पहले वाली इनोवा क्रिस्टा एंड फॉर्चुनर आते थे उनमें केवल दो आते थे बीच में। बूट खोल के दिखाते हैं आपको। बूट में हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्विच है खोलने के लिए। बूट इसका काफ़ी अच्छा है, अगर आप केवल दो रो ऐप रहती है तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है, एंड इनफैक्ट अगर हम थर्ड रो भी गिरवा देते हैं तो उसके बाद भी हमारे पास 300 लीटर्स का बूट स्पेस बचता है, जो कि मोर देन इनफ है इस MPV सेगमेंट कार के लिए। रियर में हमें यहाँ पे मिल जाता है हाई माउंट स्टॉप लैम्प, ये शार्क फिन एंटीना रेडियो रिसेप्शन के लिए। हमें बेस वेरिएंट में भी यहाँ पे डीफॉगर एंड वाइपर देखने को मिल जाते हैं। टॉकिंग अबाउट व्हील बेस, इस गाड़ी में आता है हमारे पास 2750 mm का व्हील बेस, जो कि काफ़ी अच्छा स्पेस प्रोवाइड करता है हमें। इंटीरियर में लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का। अब बात करते हैं वर्ड्स अंडर द हुड, तो बोनट खोलते हैं हम। बोनट इसका काफ़ी हैवी है, एक हाथ से खोलना काफ़ी मुश्किल है इसको। ये इसका 2.4 लीटर का डीजल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है अराउंड 140 bhp एंड 340 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इंजन पहले से तो काफ़ी रिफाइंड हुआ है, बट स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा नॉइजी है, एंड मुझे तो लगता है ये इनोवा की एक USP है जो इसकी आवाज़ एंड वाइब्रेशंस है। तो ये इसका जो इनोवा का चार्म है, ओल्ड स्कूल चार्म, ये बरकरार रहना चाहिए। अब हम आ चुके हैं इनोवा क्रिस्टा के इंटीरियर में। शुरू करते हैं इसके राइट साइड से। राइट साइड में हमारे पास यहाँ पे स्विचेस आ जाते हैं। ये DPF का स्विच है, ये पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ का स्विच जो चाइम ऑन ऑफ आप अगर आपको करनी है, ये हेडलाइट लेवलर का स्विच, ये बोनट खोलने का लीवर, ये फ्यूल लिड खोलने का लीवर। एंड राइट साइड में आप हमें यहाँ पे ये एक कप होल्डर मिलता है जो कि आपकी ड्रिंक को ठंडा रखेगा, एटलीस्ट गर्म नहीं होने देगा। ये है इसका ओवरऑल डोर लुक। डोर में हमारे पास यहाँ पे आ जाता है मिरर लॉक अनलॉक के लिए, इसमें ऑटो फोल्ड भी आते हैं मिरर, ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है देख सकते हैं आप। ये इसके पावर विंडो कंट्रोल्स, ड्राइवर साइड विंडो केवल ऑटो अप डाउन आती है। ये इसका डोर खोलने का हैंडल जो कि क्रोम फिनिश में है, जो कि काफ़ी प्रीमियम टच लगा मुझे। जो पुरानी वाली इनोवा आती थी, जो प्रीवियस जनरेशन थी, उसमें ये नहीं आता था बेस वेरिएंट में। यहाँ पे हमारा वुडन फिनिश आ जाती है, आप देख सकते हैं ये पूरे ऑल ओवर द डैशबोर्ड रन करती है। एंड ये इसकी डैशबोर्ड की डिज़ाइन जो एक वो एकदम स्लीक में जाती है, ये जो डिज़ाइन है। स्टार्टिंग फ्रॉम मीटर कंसोल हमारे पास यहाँ पे एनालॉग टैकोमीटर आ जाता है, एनालॉग स्पीडोमीटर आ जाता है, फ्यूल गॉज आ जाता है, एंड बीच में MID है जो कि डिसेंटली इन्फॉर्मेशन शो करती है। मतलब मुझे पर्सनली इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, जो इसके अपर वेरिएंट VX में जो आती है वो काफ़ी अच्छी है। एंड ये MID को टॉगल करने का स्विच,
आप देख सकते हैं ट्रिप मीटर रीसेट करने के लिए एंड MID को टॉगल करने का स्विच है। एंड ये यहाँ पे जो डिस्प्ले है ये इसकी इन्फॉर्मेशन बदलने के लिए आपको रेंज देखनी है, माइलेज देखनी है, सेटिंग्स अगर आपको कुछ करनी है तो उसका स्विच है ये। अब स्टार्ट करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। ये टोयोटा का इनबिल्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो अब जो रिसेंट कार्स में आ रहा है उसमें फॉर्च्यूनर एंड इनोवा क्रिस्टा में उसमें नॉब वाला आता है एंड वो सपोर्ट करता है एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। ये पर्टिकुलर इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है वो एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट नहीं करती है, ये सपोर्ट करती है ऑक्स ब्लूटूथ CD एंड FM वगैरह सपोर्ट, सब कुछ सपोर्ट करती है। बाकी इसकी क्वालिटी मुझे ठीक है, ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, मुझे डिसअपॉइंट किया इसकी जो टच रिस्पॉन्स है इसने एंड जो इसके ओवरऑल लैगिनेस है वो काफ़ी है इसमें। सेंटर में हम बात करते हैं, यहाँ पे रियर डिफॉगर का स्विच आ जाता है हमें ये इको मोड पावर मोड स्विच करने का। अगर गाड़ी अगर आप दोनों ही दबा देते हैं ऑफ कर देते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली सिटी मोड में चली जाती है। ये बेस वेरिएंट में भी आप देख सकते हैं ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच आ जाता है ऑन ऑफ करने का। मैं अगर इसे यहाँ पे प्रेस करूंगा, यहाँ पे इसका आ गया MID में टर्न ऑफ, अब ये टर्न ऑन हो गया है। और यहाँ पे हमारा 12V का पावर सॉकेट आ जाता है, ये इसका ओवरऑल गियर नॉब एंड ये इसका आर्मरेस्ट के नीचे काफ़ी स्पेस है, काफ़ी अच्छा डिसेंट स्पेस, आप सामान काफ़ी रख सकते हैं इसमें। ऑल दो जो इसका ये आर्मरेस्ट है वो स्लाइडेबल नहीं है। एंड यहाँ पे इसके पास हमारे आ जाता है ऑक्स एंड USB का कनेक्टिविटी जो इन्फोटेनमेंट से कनेक्ट होगा। ये इसका ओवरऑल डैशबोर्ड लुक, यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एक अपर ग्लव बॉक्स एंड ये यहाँ पे आ जाता है हमारे पास दूसरा ग्लव बॉक्स जो कि लॉकेबल है। टोयोटा की ये बात मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि ये लॉकेबल ग्लव बॉक्स देता है, अगर आपका जो भी प्राइवेट सामान है आप रख सकते हैं उसमें। ये AC के मैनुअल कंट्रोल्स जो VX एंड ZX है उनमें ऑटोमेटिक AC आती है, क्लाइमेट कंट्रोल AC है। AC की परफॉर्मेंस मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है इनोवा की, टोयोटा की इनफैक्ट बहुत ज़्यादा चिलिंग AC है एंड काफ़ी एकदम विद इन नो टाइम गाड़ी आपकी ठंडी कर देती है। ये हैजर्ड लाइट स्विच, ये सेंटर क्लॉक डिजिटल है। ये स्टार्टिंग फ्रॉम द रूफ हमारे पास यहाँ पे सनवाइजर आ जाता है, लाइट नहीं है इसमें, मिरर मिल जाता है आपको बोथ साइड, यहाँ पे भी लाइट नहीं है मिरर है। बीच में हमारे पास यहाँ पे सनग्लास होल्डर आ जाता है, ये लाइट्स के कंट्रोल, ये इसका मैनुअल IRVM जो इसके टॉप वेरिएंट में भी मैनुअली आता है, कोई ऑटोमेटिक ऑटोक्रोमिक IRVM नहीं है। सीट बेल्ट की बात करते हैं, सीट बेल्ट इसमें एडजस्टेबल आते हैं। बात करते हैं सेफ्टी की, इनोवा क्रिस्टा GX में जो इसका बेस वेरिएंट है इसमें हमें 3 एयरबैग मिल जाते हैं सेफ्टी के रूप में, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे एंड तीसरा ड्राइवर की नी पे। यहाँ पे ये जो है ये SRS एयरबैग की बैजिंग है, यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे हमें रीडिंग लैंप देखने को मिल जाता है सेंटर में, यहाँ पे हमें ग्रैब हैंडल मिल जाता है कोट हुक के साथ, सॉफ्ट क्लोज वाला है ये, काफ़ी प्रीमियम टच लगता है मुझे ये पर्सनली। अब भैया हम इनोवा क्रिस्टा के सेकेंड रो में बैठे हैं, कम्फर्ट की बात नहीं करें तो वो तो हो ही नहीं सकता। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है अकॉर्डिंग टू मी, लॉन्ग ट्रिप्स के लिए ही बनी है ये गाड़ी एक्चुअली। एंड जो बीच में जो सेकंड रो की सीटिंग है ऊंची रखी गई है ताकि जो पैसेंजर है उनको और ज़्यादा कंफर्टेबल, जो व्यू है वो और ज़्यादा मिले, क्लॉस्ट्रोफोबिक ज़्यादा फील ना हो, वो ज़्यादा एंजॉय कर पाए राइड को। एंड गड्ढे एंड ब्रेकर वगैरह भी ज़्यादा फील नहीं होते हैं बीच रो पे, क्योंकि हम दोनों टायर के बीच में बैठे हैं इसलिए हमें जो जर्क है वो ज़्यादा महसूस नहीं होता है। सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे इसमें ट्यून करे हुए हैं। ब्रेकिंग की बात करते हैं, मुझे इस गाड़ी ने ब्रेकिंग में काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस किया है, बीइंग इसमें 4 डिस्क सेटअप नहीं आता है, इसमें 2 डिस्क सेटअप या फ्रंट डिस्क आती है इसमें, बट इसकी जो ब्रेकिंग काफ़ी काबिले तारीफ है, मतलब आपका बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस लूज नहीं आता है अगर आप हाई। अब बात करते हैं गाड़ी सिटी में मैन्यूवर करने में कितनी ज़्यादा आसान रहती है आपको। बेसिकली इसका स्टीयरिंग हैवी है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि स्टीयरिंग आपको लाइट है, आपको ईजिली ये मैन्यूवर हो जाएगी, बट अगर आप डेली यूज में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको आदत लग जाएगी। बट हाँ, सिटी में थोड़ी सी मतलब एग्जॉस्टिव रहती है ड्राइव इसकी, बिकॉज इसका जो क्लच एंड गियर है वो भी थोड़ा मतलब स्मूथ शिफ्टिंग नहीं है उसमें, उतनी हार्ड है। एंड स्टीयरिंग है मेन, इसका स्टीयरिंग काफ़ी हैवी है तो सिटी के हिसाब से उतना मतलब आपको सहूलियत नहीं देगी। बाकी राइड अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पर जानी है तो राइड इसकी नो डाउट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। अब बात करते हैं हम माइलेज की, तो ये गाड़ी पावर मोड में आपको पर्टिकुलरली माइलेज दे देगी अराउंड 8-10 का, और इको मोड में अगर आप इसे आराम से चलाते हैं हाईवे पे, अगर आपको हाईवे पे क्रूज कर रहे हैं लंबे टाइम तक तो आप इसे इको मोड में डाल दीजिए एंड ये अपने आपको आराम से 14 से 15 का या फिर 14 से 16 तक का माइलेज आराम से निकाल के दे देगी। पावर मोड में इसकी माइलेज मैक्स 11.5 तक जाती है, उससे ऊपर नहीं जाती है। एंड सिटी मोड में रखेंगे आप तो आपको भाई 11 से 12 12 साढ़े 12 तक का एवरेज मिलेगा। तो अब बात करते हैं कंक्लूशन की,
अकॉर्डिंग टू मी इनोवा क्रिस्टा एक ओवरऑल काफ़ी अच्छा पैकेज है। यूज़ मार्केट में आपको ये गाड़ी आसानी से मिल जाएगी, ऑल दो हम इसकी जानते हैं रीसेल काफ़ी अच्छी है, इसलिए आपको ये मतलब बेस मतलब जो बेस प्राइस है उससे आपको महंगी मिलेगी। बट ये गाड़ी अगर आपको मिल जाती है अच्छे दाम में, जो कंसिडरेबल ऑप्शन है, तो आप इसको बेझिझक उठा लीजिए। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप क्रेटा पे जा रहे हैं या सेल्टोस पे जा रहे हैं, 20 लाख तक का बजट है, तो मैं तो कहता हूँ अगर आपको 17-18 लाख में ये यूज़ गाड़ी मिल रही है तो बहुत ही प्रैक्टिकल ऑप्शन रहेगा और बहुत ही प्रैक्टिकल चॉइस रहेगी ये। ऑल दो अब न्यूज़ आ रही है कि टोयोटा ने इसकी जो डीजल की बुकिंग है वो जनवरी 2023 तक बंद कर दी है, क्योंकि इनका वो प्लान है कि ये जो पेट्रोल हाइब्रिड है इनोवा क्रिस्टा वो लेके आए। तो एंड वो गाड़ी मुझे प्रैक्टिकली काफ़ी सही लग रही है, आपको एवरेज भी काफ़ी ज़्यादा देगी। एंड बात करते हैं इंजन ऑप्शन की, इंजन ऑप्शन उसमें अभी तक कंपनी ने कोई डिस्क्लोज़ नहीं किया कि वो कौन सा इंजन ऑप्शन देंगे या क्या वेरिएंट उस हिसाब से निकालेंगे। एंड पर्टिकुलरली बात करूँ मैं इस गाड़ी की, तो इसमें जो 2.4 लीटर का इंजन है वो सफिशिएंट है। लोग कई बोलते हैं कि ये 2.8 लीटर से अंडर पावर्ड है, बट एक बार आप चला के देखिएगा आप 2.8 लीटर को ज़्यादा मिस नहीं करेंगे। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन राइड सेफ एंड हम जल्दी मिलते हैं अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू।